नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम बताते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार से जुड़ी हर ताज़ा खबरें। कल एक वीडियो सामने आई है जिसमें पवन सिंह खासा गुस्से में दिखाई दिए। दरअसल पवन सिंह और अक्षरा को लेकर कुछ सिंगर्स गाने बनाकर रिलीज करवा रहे हैं, वो भी अच्छे नहीं, भद्दे गाने लेकर। एक चैनल से पवन सिंह को पता भी लगा कि ये बात, तो वो इस चैनल के ओनर से मिले और काफ़ी सारी बातें देखने को मिली। हम आपके लिए भी एक वीडियो ले आए हैं, देखिए। भोजपुरी गायकी के सिरमौर और भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो पर्दे की दुनिया में ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी काफ़ी उदारवादी व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। पवन सिंह का मानना है कि गलती इंसान से ही होती है। जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर ले और जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसके प्रति किसी को भी मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि आदिशक्ति फिल्म्स म्यूजिक कंपनी से कुछ आपत्तिजनक गाने रिलीज किए गए थे, जिससे पवन सिंह म्यूजिक कंपनी के मालिक मनोज मिश्रा से बहुत नाराज थे। लेकिन सराहनीय बात यह है कि आदिशक्ति फिल्म्स के मालिक मनोज मिश्रा ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए पवन सिंह से ये वादा किया है कि उनकी म्यूजिक कंपनी ऐसे किसी भी गाने को रिलीज नहीं करेगी जिससे किसी भी भावना को ठेस पहुंचे। बहरहाल अब सुन लेते हैं हम आदिशक्ति फिल्म्स के मालिक मनोज मिश्रा और पवन सिंह के कुछ बोल। पवन जी तो एकदम उदार दिल के आदमी बने, जे भी तुम काम लेके आवे ला चाहे लेके पूरा करे। हमने के खास करके जब भी जो करी ला पूरा करी ला, वैसे से ज़्यादा क्या कहो। नमस्कार, आज हमने के साथ माने जानी मानी म्यूजिक कंपनी आदिशक्ति एंटरटेनमेंट के ऑनर मनोज मिश्रा जी आए, इनका से बात करिए, अपना कुछ मन की बात आप लोगों से शेयर करी चाहते हो, आज बात कर रहे हैं। आप सभी को मनोज मिश्रा का प्रणाम। और मेरे कंपनी से ऐसा कुछ गाना आ गया जो कि अच्छा नहीं है, अच्छा गाना नहीं है, तो उसको हम अपने तरफ से अपने बड़े भैया पवन भैया को सॉरी बोल रहे हैं। और मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मार्केट से ऐसा ऐसा कुछ मुझे मेरे पास संदेश आने लगा, तो मुझे भी अंदर से गिल्टी फील होने लगा कि नहीं, अच्छा गाना नहीं था। और इसके लिए हम भैया से सॉरी बोल रहे हैं और यही है। और मेरे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं ये, तो मुझे माफ करेंगे। आपको प्रणाम। सबसे पहले तो हमार भोजपुरिया श्रोता हमारे लिए भगवान हैं। पैर छू के नमस्ते करत हनी, प्रणाम करत हनी सबके, सब भैया चाचा भाई बहन के। आदिशक्ति म्यूजिक कंपनी के मालिक बैठल बनी आज हमरे घर पे, और किसी भी हमारे भाई हैं धनंजय सिंह जी जो फिल्म बना रहे हैं साथ में हरिया, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, बिक्की सिंह जी हैं और हमारे बड़ भैया बुची सिंह जी। मुहूर्त में हम गए थे, हमको पता नहीं था पहले से, लेकिन ये तीनों भाई लोगों के वजह से आज हमारे भाई क्या नाम बताए मनोज मिश्रा जी हमारे घर पे बैठल बनी, म्यूजिक कंपनी के यहाँ के मालिक हैं। भगवान करस की बहुत आगे यहाँ के बढ़ी। और गलती किसी से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, जिस इंसान को अपने गलती का रियलाइज हो जाए वो बस वही बहुत होता है। और इतने श्रद्धा से हमारे भाई फिल्म बना रहे हैं, और हमारे धनंजय जी बुची भैया बिक्की जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल काम करूंगा अच्छे से और दिल से काम करना है, हर रोज़ सीखना है, कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। बस गलती के एहसास हो गई हमने की, देखा भोजपुरी में हमार बाप दादा लोग ये सिखावेला कि बेटा हो, 6 महीना वाला जो रास्ता खराब हो और 1 साल वाला अच्छा हो, तो 6 महीना वाला ना जाके 1 साल वाला अच्छे रास्ते से गुजरो। और तनी मुनी फायदा खाती इंसान के अपन कायदा ना बिगाड़े की चाहिए। बस भाई के मन में आ गया कि हाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं, ये बस बात खत्म। भाई है हमारे और मिल के काम करेंगे हम लोग, सबको आगे बढ़ना है। जय है भोजपुरी। सभी को नमस्ते, मैं धनंजय सिंह।
ये मैटर कोई मैटर नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये जो आज शक्ति के ऑनर हैं मनोज मिश्रा जी, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। एक दिन ये हमसे हमको बुलवाएं, आके हमसे मिलें, हम और बुच्ची भैया। पवन सिंह को गाड़ियों का बहुत शौक है, आपने देखा होगा वो हमेशा गाड़ियां चेंज करते रहते हैं, लेकिन उनकी फोर व्हीलर गाड़ियों के अलावा भी आप लोग सुनते आए हैं पवन को बाइक चलाने का बड़ा शौक है। तभी उनकी फिल्मों में बाइक से जुड़े कई सारे स्टंट भी आप लोगों ने देखे होंगे, और जब शूटिंग से फ्री होते हैं वो तब भी बाइक चलाते हुए अपने गाँव में, अपने घर या मुंबई में नजर आ ही जाते हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी होंगी। और अभी से नहीं, जब से पवन ने करियर की शुरुआत की थी तभी से पवन के पास बाइक्स के बहुत सारे कलेक्शन हैं। देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को आप लोग कई बार काफ़ी सारी फिल्मों में देख ही चुके हैं, साथ ही पवन खुद से जुड़ी हुई कई सारी खबरों को लेकर भी चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन पवन से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें देखने को मिलती हैं, उनके शौक और आलीशान से लाइफ से जुड़ी हुई उन खबरों को दर्शक बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही पवन से जुड़े शौक के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि पवन को गाड़ियों का बड़ा शौक है, इसलिए वो अब तक 4 महंगी महंगी गाड़ियाँ बदल चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही पवन को बाइक का भी बड़ा शौक है। यही कारण है कि पवन की फिल्मों में बाइक और बुलेट से जुड़े कई सारे सीन आप लोगों को देखने को जरूर मिलते होंगे। तो वहीं जब भी पवन अपने शूटिंग से अलग हटकर अपने गांव जाते हैं तो बाइक चलाते हुए अपने दोस्तों के साथ अक्सर नजर आ जाते हैं। तो पवन अपने हर शौक दिन पर दिन पूरे कर रहे हैं, और अभी से नहीं शुरू से कर रहे हैं, इसलिए तो भाई शहंशाह माने जाते हैं भोजपुरी के। और बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो चिंटू से जुड़ी हुई है। चिंटू की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 का टीजर जब से लोगों की नज़रों में आया है तब से बहुत शोर है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले जैसी कहानी है, कुछ लोगों का कहना है कि खेसारी से फिल्म छीनी है, फ्लॉप होगी। लेकिन इन सब का जवाब देने के लिए हाल ही में चिंटू का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जिसमें क्या कुछ कहते हैं चिंटू, आइए आपको दिखाते हैं, देखिए। भोजपुरी फिल्म के युवा स्टार प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों के साथ फिल्म मेकर से मिलते हुए प्यार को लेकर भी चर्चाओं में हैं। हाल ही में चिंटू की एक फिल्म का टीजर आप सभी को देखने को मिला होगा। जानकारी के लिए बता दें कि चिंटू की ये फिल्म 27 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। हम बात कर रहे हैं चिंटू की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 की। टीजर पर मिलते हुए दर्शकों के प्यार को लेकर हाल ही में चिंटू का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें चिंटू ने अपनी फिल्म और पहले पार्ट को लेकर काफी सारी बातें बताई। चिंटू ने कहा कि कुछ लोग यूट्यूब पर ऐसा कह रहे हैं कि टीजर देखने के बाद ही कहानी पहले से कॉपी लग रही है या पहली जैसी फिल्म है, तो जबकि इस बार की कहानी सबसे अलग है और मेरा किरदार इस फिल्म में अब तक सबसे अलग दर्शकों को देखने को मिलेगा। साथ ही खेसारी से फिल्म छीनने वाली बात पर चिंटू ने बताया कि मैंने किसी से कोई फिल्म नहीं छीनी है, क्योंकि किसको किस फिल्म में लेना है या नहीं लेना है, कौन से हीरोइन लेना है, ये सिर्फ फिल्म मेकर्स ही डिसाइड करते हैं, हमें तो बस कहानी सुनकर उसे निभाना होता है। सुभि शर्मा को अभी तक आप लोगों ने फिल्मों में एक्ट्रेस के रूप में देखा है, लेकिन पहली बार सुभि एल्बम शूट करती नजर आई, वो भी निर्मात्री के रूप में। जी हाँ, अब सुभि ने निर्मात्री बनकर अपना पहला एल्बम शूट किया है, जिसका नाम है हीले पटना राजधानी। देखिए, भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस सुभि शर्मा इन दिनों कुछ फिल्मों और इवेंट से गैर मौजूद आपको जरूर दिखाई दी होंगी। इतनी सारी पार्टियां हुई हैं, इतनी सारी फिल्में आई हैं, इतने सारे स्टेज शो हुए, होली के एल्बम भी आए, लेकिन किसी में भी सुभि शर्मा नजर नहीं आई। कुछ दिनों पहले ही होली के मौके पर सुभि शर्मा का प्री होली सेलिब्रेशन भी आप लोगों को देखने को मिला होगा, जिसमें सुभि खूब खुश दिखाई दी। जी हाँ, किसको पता था कि सुभि की ये खुशी आने वाले दिनों के लिए है। दरअसल हाल ही में एक खबर मिली है कि सुभि शर्मा अब एक्ट्रेस से बन गई हैं फिल्म निर्मात्री, और किरदार निभाने के बाद अब सुभि बन चुकी हैं फिल्म निर्मात्री। जी हाँ, हाल ही में ये खबर सुनने को मिली है कि सुभि शर्मा ने अब फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी अपना कदम रख लिया है। खैर, बता दें कि सुभि शर्मा का पहला एल्बम दर्शकों को देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है, जिसका नाम होगा हीले पटना राजधानी, जिसमें वो राहुल सिंह के साथ परफॉर्म करती नजर आएंगी। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें जो भोजपुरी के सुपरस्टार से जुड़ी थी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। तो चलने का समय हो चुका है, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तो जा रहे हैं हम, लेकिन आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।